ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। विकास खंड कालसी के ब्लॉक सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर कैंप में उप जिलाधिकारी चक्राता, विकास खंड कालसी के ब्लॉक प्रमुखों की टीम, कालसी के थाना अध्यक्ष दीपक धारीवाल, स्वास्थ्य के साथ साथ पत्रकारिता जगत के पत्रकारगण सहित अन्य लोगों ने ब्लड डोनेट किया और ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोगों ने सर्वाधिक रक्तदान करते हुए दिखाई दिए। रक्तदान देने वालों में खासा हर्षोल्लास दिखाई दिया। रक्तदान शिविर में महिलाओं ने भी अपना अहम योगदान किया। रक्त शिविर कैंप में 60 यूनिट से भी अधिक ब्लड इकट्ठा हुआ। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों ने अपना रक्त देकर देश की एकता का परिचय दिया है। तो वहीं उप जिलाधिकारी डॉक्टर अपूर्वा सिंह ने बताया कि चक्राता में रक्तदान से डेंगू, मलेरिया, कैंसर आदि मरीजों की जान बचाने के लिए खास तौर से छोटे छोटे बच्चों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। उस वक्त यही लोगों का रक्तदान बहुत काम आता है और साथ ही लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये ब्लड काम में आता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से आजकल कोविड-19 महामारी भी फैल रही है, ऐसे में लोग अपने घरों से निकलने में भी डरते हैं, तो फिर लोगों द्वारा रक्तदान करना अपने आप में गौरवान्वित करने जैसा है और निश्चित ही महामारी संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के लिए ये रक्तदान किसी वरदान से कम नहीं है। विकासखंड कालसी के जो हमारे कार्यकर्ता है और हमारी जो ब्लॉक की टीम है, उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल की गई है। कोरोना जैसे संकट में यहाँ पे पूरा 48 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है, जो कि निश्चित रूप से लोग ये समझते हैं कि आज कैसे समय में, जबकि पूरी दुनिया जो महामारी से ग्रस्त है, और ऐसे समय में एक बहुत ही सराहनीय कार्य विकासखंड की टीम द्वारा किया गया। निश्चित रूप से मैं अपनी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देती हूँ। ऑलरेडी हमें पता है कि देश में, दुनिया में ऑलरेडी एक हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें जिस भी तरीके से हम अपना योगदान दे पाए अपनी सर्विसेज के माध्यम से, ब्लड डोनेट करके, क्योंकि और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो सोसाइटी को वैसे आमूमन तौर पे फेस करनी पड़ती है, जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की। डेंगू हो गया, अभी आगे मानसून सीजन है और वैसे भी बच्चों में बीमारियां होती हैं, एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, तो उनको भी दिमाग में रखते हुए तो ये एक तरीका है सर्विस का। तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर कोई और भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हो तो उसमें उसको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट लेना चाहिए। ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन को दिमाग में रखते हुए ही ये सब फॉलो किया गया है और भविष्य में भी इसको आगे लोग फॉलो करें, सभी एहतियात को बरतते हुए। महामारी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक की टीम ने और मधु चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर 48 यूनिट ब्लड यहाँ पर एकत्रित किया है। भविष्य में आप देख रहे होंगे, जैसे अभी कोरोना भी चल रहा है और भविष्य में डेंगू है, मलेरिया, अन्य प्रकार की बीमारियां फैलती है जिसमें ब्लड की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो उसको संज्ञान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी तरफ से एक डोनेशन एकत्रित किया है ताकि हम लोग इस महामारी में भी अपना योगदान दे सकें। श्रमिक मंत्र के लिए चक्राता से संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट।